हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पादपों में जल का मार्ग, जो कि आपके इसी लेसन का टॉपिक है, पादपों में जल अवशोषण या रसारोहण। इससे पहले आपने रसारोहण के बारे में पढ़ा, रसारोहण की क्रिया विधि के बारे में पढ़ा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में जल का मार्ग, मतलब कि जो जड़ें होती हैं वो जल को अवशोषित करती है। तो जल को अवशोषित करती है तो वो पादप में ऊपर की तरफ, ऊपर में कहाँ, तने की तरफ किस प्रकार या किन किन भागों से होकर गुजरता है, जिससे कि पादप अपनी वृद्धि करता है। उसमें अन्य अन्य क्रियाएँ होती है, फल फूल आदि का निर्माण होता है। जल जीवन का मुख्य आधार होता है और जल के द्वारा ही उसमें विभिन्न क्रियाविधि होती है। तो पादपों में जो जल का मार्ग है वो मुख्यतः जाइलम पादपों में मूल रोम कहाँ पाई जाती है, नीचे जड़ों में पाई जाती है मूल रोम। तो मूल रोम से मूल के जाइलम तक जल के प्रवाह को पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। मूल रोम से मूल के जाइलम तक जल के प्रवाह को पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं, लेटरल फ्लो, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल फ्लो कहते हैं। इसमें तीन स्टेप दिए हुए हैं पादपों में जल में मार्ग में, तीन पथ दिए हुए हैं। फर्स्ट है एपोप्लास्ट, सेकेंड है सिम्प्लास्ट, थर्ड है रसदानी। यदि इसे सरल तरीके से देखें, भाई पादपों में जल का मार्ग मूल रोम से मूल तक किन किन भागों से होकर गुजरता है, तो इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं। फर्स्ट है मूल रोम, मूल रोम से जाएगा एपिब्लेमा, एपिब्लेमा से वल्कुट या कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से जाइलम। इन मार्गों से जल गुजरता है और जाइलम तक पहुँचता है। इसे एक रफली डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि फल बाहर की तरफ हो गया, ये मूल रोम, मूल रोम से एपिब्लेमा, जिसे कैदी चरण भी कहते हैं एपिब्लेमा, वल्कुट से अंतस्त्वचा से परिरम, और परिरम से जाइलम। मतलब कि इन मार्गों से जल होकर आएगा और जाइलम तक पहुँचेगा, जिसमें फर्स्ट है आपके एपोप्लास्ट। में क्या होता है, जो जल होता है, एक चीज और जो अंतस्थ त्वचा होती है, अंतस्थ त्वचा में सुबेरिन का जमाव होता है, जिसपे कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती है। कैस्पेरियन पट्टी का पाई जाने के कारण जल इससे होकर गुजर नहीं पाता है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, जो अंतस्थ त्वचा है
ये सुबेरी नियुक्त होती है, सुबेरी नियुक्त होती है तो इस पर कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। कैस्पेरियन पट्टी पाए जाने के कारण जल इन से बाहर की ओर नहीं निकल पाता है। ठीक है, अब फर्स्ट इसे एक डायग्राम के द्वारा आपकी जो बुक में दिया है उसके द्वारा समझ सकते हैं। ये डायग्राम दिया गया आपने बुक में, ठीक है। बाहर की ओर कोशिका झिल्ली, ये कोशिका भित्ति, ये रिक्तिका और ये कोशिका द्रव है। जो एपोप्लास्ट पथ होता है, एपोप्लास्ट पथ होता है वो किससे होकर जाता है, इन कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के जो बीच का मार्ग होता है इन मार्गों से होकर एपोप्लास्ट में जल का प्रवाह होता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे एक मैंने आपको बताया अंतस्थ त्वचा होती है, अंतस्थ त्वचा में कैस्पेरियन पट्टी का जमा होता है तो वो अंतस्थ त्वचा पर आकर रुक जाता है और जल फिर जीव द्रव्य में से होकर जाता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है जो अंतस्त्वचा में कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है, कैस्पेरियन पट्टी से जल इन मार्ग से गुजर नहीं पाता, फिर जीव द्रव्य में सोख हो जाता है। तो एपोप्लास्ट पथ में जल कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के बीच के मार्ग से होते हुए जाते, उस पथ को बोलते हैं एपोप्लास्ट पथ। सेकेंड है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट पथ वो होता है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में जो प्लाज्मा डेंसमेटा पाए जाते हैं इनसे होकर जब जल का प्रवाह होता है तो उसे बोलते हैं सिम्प्लास्ट पथ। थर्ड है रसधानी पथ। रसधानी पथ में क्या होता है, यह रिक्तिका से होकर जाता है, मतलब ये बीच की जो रिक्तिका है इनसे होकर जब जल का प्रवाह होता है तब से रसधानी पथ। इसे आप इसे बुक में जो दिया है उसके द्वारा भी समझ सकते हैं। जब जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति एवं कोशिकाओं के बीच उपस्थित अंतर कोशिकीय स्थलों से होता है, मैंने आपको बताया कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बीच के मार्ग होता है उसे बोलते हैं एपोप्लास्ट पथ। इसमें मूल की अंतस्थ त्वचा की कोशिका भित्तियों पर सुबेनिरुक्त कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। मैंने आपको बताया जो मूल की अंतस्थ त्वचा होती है उस पर सुबेनिरुक्त कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है जिसके कारण जल इसमें प्रवाह नहीं होता। जल में जब इसमें प्रवाह नहीं होता तो जल कहाँ से होकर जाएगा, इस वाले मार्ग से होकर चला जाएगा। ये होता है एपोप्लास्ट पथ। सेकेंड है सिम्प्लास्ट पथ। जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा या जीव द्रव्य से होता है, मैंने आपको बताया ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, जब जल का प्रवाह इन मार्गों से हो तब उसे बोलते हैं सिम्प्लास्ट पथ। थर्ड है रसधानी पथ। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल प्रवाह जीव द्रव्य कला टोनोप्लास्ट है रसधानी से होते हुए गुजरता है जल के इस मार्ग को रसधानी पथ कहते हैं, मतलब कि ये जो डॉट डॉट वाले निशान है इन से बोलते हैं रसधानी पथ। एपोप्लास्ट पथ में इवन मैं आपको वापस से बताती हूँ, जो पातों में जल का मार्ग होता है वो मूल रोम से शुरू होकर जाइलम तक जाते हैं, मतलब मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं और वो जल के जाइलम तक हो जाते हैं जिसके द्वारा जल अपनी वृद्धि करता है। तो इसके दौरान तीन स्टेप होते हैं एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट और रसधानी। एपोप्लास्ट पथ वो होता है जब कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के बीच के मार्ग द्वारा हो, लेकिन जो अंतस्थ त्वचा होती है मूल की उस पर कैस्पेरियन पट्टी का जमा होता है तो जल यहाँ से गुजर नहीं पाता है और वो जीव द्रव्य में से होकर जाता है। सिम्प्लास्ट पथ वो होता है जो कोशिका से दूसरी कोशिका में जो प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं इनके द्वारा जब जल का प्रवाह हो उसे बोलते हैं सिम्प्लास्ट। रसधानी पथ वो होता है जब रिक्तिका या जीव द्रव्य कला के द्वारा जल का प्रवाह हो तो उसे बोलते हैं रसधानी